दुर्ग पुलिस कर्मियों द्वारा प्रताड़ित दुर्ग साकेत कॉलोनी कातुलपुर निवासी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और शिकायत पत्र सौंपकर गुहार लगाई। दुर्ग के साकेत कॉलोनी कातुलपुर निवासी तेजस शर्मा ने लिखित आवेदन दिया है। उसने मोहन नगर थाने में पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने की लिखित शिकायत आवेदक ने पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर आदि से लेकर आरोप लगाया है कि 3 अप्रैल की आधी रात को उसका और उसकी पत्नी स्नेहा शर्मा के बीच पारिवारिक विवाद हो गया था। इस पर पत्नी ने 112 को कॉल करके घर पर बुला लिया था। 112 की टीम में आए पुलिस कर्मियों में जिसमें श्री जायसवाल एवं वाहन चालक के सामने जब आवेदक तेजस शर्मा ने कहा कि इतना तमाशा होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, ये सुनकर पुलिस कर्मी जायसवाल ने उसी समय तेजस की कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की। जब आवेदक ने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो, ये सुनकर गुस्साए पुलिस कर्मियों ने उसे मोहनगर थाना ले गए। थाने में लगभग 10-12 पुलिस कर्मी व थाना प्रभारी आकांक्षा पांडे मौजूद थी। आकांक्षा पांडे व अन्य पुलिस कर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट भी कर डाली। इससे आवेदनकर्ता को चोटें आई है, जिससे मायूस तेजस ने उम्मीद जताते हुए प्रार्थी ने भाजपा कार्यालय में आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर शिकायत की और अपने साथ हुई आपबीती के बारे में उन्हें बताया और एक शिकायती पत्र भी सौंपा। साकेत कॉलोनी कातुलपुर में रहता हूँ। मेरी और मेरी पत्नी के मध्य 3 अप्रैल को रात में 1:30 बजे करीब विवाद हो गया था। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने 112 को कॉल कर दी कि वो आएंगे समझाएंगे करके। 112 से सुपेला में जायसवाल जी हैं, वो आए 112 के ड्राइवर के साथ में और मुझे बोले कि क्यों महाराज जी क्यों ऐसा करते हो, अच्छे से बात कर रहे थे। फिर मैं अपनी वाइफ को बोला कि आपको पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए था, बच्चे भी देख रहे हैं, अब आप मेरे साथ नहीं रह पाओगे। तो इतना सुन के वो मेरे को बोले कि पुलिस के सामने ऐसे बात करता है, चल थाने। मैं बोला ठीक है सर चलते हैं। फिर मैं रेडी हुआ, जैसे गेट पे आया तो मेरा कॉलर पकड़ के खींचने लग गए। मैं बोला सर मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं तो इज्जत से आपके साथ चल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। तो फिर वो बोले चल थाने, तेरे को बताता हूँ कैसा बात करते करके। फिर वो थाने ले गए, वहाँ पे पहले से ही कोई केस हुआ था चाकूबाजी का, तो एसपी सर भी वहाँ पे मौजूद थे और डीएसपी आकांक्षा पांडे थी और 10-15 पुलिस वाले थे, दूसरी दूसरी मतलब थाने के भी थे वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे वो पुलिस वाले जाके वहाँ पे बता रहे थे कि ये मेरे से, मैं इसको समझाने गया था और मैं यानी ये मेरे से बदतमीजी करने लग गया। तो मैं उनको बोला कि नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। इतने में आकांक्षा पांडे मैडम अपने केबिन से निकल के आई और मुझे अभे हुए साले ऐसे करके बात करने लगे। तो मैंने बोला मैम मुझसे ऐसे बात क्यों की जा रही है। तो बस मैंने इतना बोला तो उन सबका कहना ये था कि पुलिस वाले से कैसे बात करते हैं हम सिखाते हैं। तो आकांक्षा पांडे मैडम जितने भी पुलिस वाले थे उन लोग को बोली इसको अंदर ले जाओ और सिखाओ बात कैसे करते हैं। तो मुझे अंदर में जो पुलिस वालों का रेस्ट रूम रहता है वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पे तकरीबन 8-10 पुलिस वाले 12 के आसपास थे और धीरे धीरे एक दो और आ रहे थे, मतलब 10-15 पुलिस वाले थे। उसमें मैं दो तीन लोगों का नाम अच्छे से जानता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब राजीव रंजन सिंह एक हैं और कमलेश यादव है, वो पद्मनाथपुर थाने में है, और एक विश्वजीत करके कोई है मोटे मोटे से। ये लोगों ने मुझे बहुत मारा और आधा घंटा मारने के बाद में पुलिस वालों से अब समझ में आया कैसा बदतमीजी करते हैं, अब कैसे बात करते हैं। मेरा पेंट में यूरिन हो गया था, इतना मारे 3rd degree टॉर्चर। मेरे पूरे मतलब पीछे हिप में ब्लैक स्पॉट जम गए थे, ब्लड जम गया था, यहाँ आंख के पास में ब्लड जम गया था। अभी भी देखिए मेरा आंख लाल है, मैं धूप में देख नहीं पा रहा हूँ, चलने में भी परेशानी। फिर वो जैसे ही बाहर निकले आकांक्षा मैडम फिर से आई उनके पास में और बोली देखिए मैं यूरिन कर दिया हूँ और पूरा आंख सूज गया है। मैं बोला मैडम मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करी है, प्लीज छोड़ दीजिए, इन लोग बहुत मार रहे हैं। तो बोले इसको एक बार और ले जाओ, फिर मारो। फिर ले गए, फिर मेरे को फिर से मारा और फिर उसके बाद में 151 लगा के मुझे 2 बजे रात से दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक थाने में रखे। और मेरी वाइफ ने वहीं पर जब वो देखी कि मतलब इनको मार पड़ी है तो वो तुरंत आके मेरे को थाने में ही गले लगा ली और बोली मेरे को कोई शिकायत नहीं करनी, मैं इनको समझाने लाई थी लेकिन आप इतना मारपीट किए हो, इनको छोड़ दो करके। तो बोले तेरी शिकायत पे हम लोग ये सब कर रहे हैं, तू भी चले जानी तो तेरे भी बाल पकड़ के 4 झापड़ मार दूंगी आकांक्षा पांडे मैडम को। और उसको मेरा मोबाइल सब सामान पकड़ाई और मुझे भगा दिया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूक की रिपोर्ट।